हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो अभी देखो सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम अभी उठ गए हैं। अभी विंटर चल रहा है, इसीलिए बाहर बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है और सुबह का नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। आप भी कभी देखना, इतने जल्दी उठकर बाहर का वेदर देखना, मौसम देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें भी गाँव का जो नज़ारा होता है बहुत ही अलग होता है। ओके गाइस, अभी सुबह के बजे हैं 9 o'clock। अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था और मैंने एक वीडियो भी एडिट किया था। जो हाथों के लिए जो वाइटनिंग के लिए रेमेडी होती है उनका मैंने वीडियो शूट किया था, तो वो भी मैं अभी एडिट कर रही थी। तो चलो, मुझे लगा कि चलो आपके साथ भी थोड़ा सा ब्लॉग शेयर किया जाए। तो अभी जो मैं दिखाती हूँ, मैं स्टैंड कैसे यूज कर रही हूँ, देखिए ये है मेरा स्टैंड। क्योंकि अभी तो ट्राइपॉड का कभी अभी जुगाड़ नहीं किया। मेरे पास एक ट्राइपॉड था छोटा सा, बट वो टूट गया, तो अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो देखा फ्रेंड, हम कैसे जुगाड़ कर लेते हैं और जुगाड़ कर करके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तो गोप्रो भी नहीं है, आईफोन ही नहीं है, थोड़ा सा ये मिनी फोन है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपके साथ सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था, तो थैंक यू फ्रेंड अभी जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आगे जो भी सपोर्ट करेंगे उनको सभी को मेरा ढेर सारा थैंक यू। तो चलो अभी झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तब तक के लिए मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने अभी मेरे चैनल पे जो संडे व्लॉग होता है वो स्टार्ट किया है, जिसमें मैं पूरे वीक का जो भी इम्पोर्टेंट व्लॉग होगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, वो सब मैं संडे व्लॉग में इंक्लूड कर दूँगी। क्योंकि डेली व्लॉग करना मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं है, लगता है कि क्या यार रोज़ एक ही बात शेयर करें, इसीलिए मैं आपको ये संडे व्लॉग दिखाऊंगी, जहाँ वीक में पूरा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई होंगी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो आप चाहना तो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट तो ज़रूर ही करिए, और ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके डन फ्रेंड, झाड़ू पोछा हो गया है और मैंने पहली बार इस टाइप का वीडियो बनाया है, जिसलिए मैं झाड़ू पोछा आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तो मेरा रेगुलर का काम है। बट अभी मैं मेकअप वीडियो तो बना नहीं सकती, थोड़ा ट्राई करूँगी अभी धीरे धीरे से, बट वो अभी ट्राई करेंगे हम, देखते हैं। तब तक के लिए मैं आपके साथ ये व्लॉग वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अभी तो चलो झाड़ू पोछा हो गया, अभी मैंने कपड़े भी धो दिए हैं सारे, अभी बनाना पड़ेगा हमें खाना। तो चलो एक हाथ से रोटी कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अगला मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था बहुत पहले, उनमें भी मैंने दिखाया था कि देखो एक हाथ से रोटी कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो व्लॉग में ही शेयर करने वाली हूँ। तो चलो बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। और ये मेरा फर्स्ट टाइप का, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग कह सकते हो, ऐसा व्लॉग है जिसमें ये सब शेयर कर रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ। देखो आटा गूंथ के रखा है, एक ही हाथों से मैंने ये आटा रखा है अभी बनाया। देखो फ्रेंड, हमारे गर्ल्स के हाथों में इतना पावर है कि वो कभी भी हार नहीं मान सकते। कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हम गर्ल्स कभी हार नहीं मान सकती, बस करती रहती, अपने एफर्ट्स लगाते रहती, राइट ना सारी गर्ल्स। तो चलो बनाती है रोटी, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि बातों में बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। लेट्स गेट स्टार्टेड।
हाथ से रोटी बनाई, फिर भी थोड़ी सी खोल बनी है, तो प्राउड ऑफ मी। देखो एक हाथ से, ये लड़कियाँ कभी भी पीछे, लड़कियों में ऐसी पावर है कि जो भी हो वो कभी पीछे नहीं हट सकती। और देखो हमारे को लोगों रोटी रेडी हो चुकी है, तो चलो हम उनको सेकते हैं। कई लोग बोलेंगे कि दीदी खाना बनाते टाइम हेयर को ओपन नहीं रखना चाहिए, बट फ्रेंड अभी मेरा हाथ मेरा ऐसा है कि मैं तो ना तो चोटी बना सकती हूँ, ना तो हेयर बैंड लगा सकती हूँ, ना तो मैं क्लचर लगा सकती हूँ। तो अभी थोड़े टाइम में हमारी जो बाजू वाली दीदी है वो आएंगी, तो वो मेरे बाल बना देंगी, क्योंकि मेरे एक हाथ से तो नहीं होता ना, थोड़ा सा दर्द होता है, डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा हाथ हिलाने को, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हम ट्राई करेंगे, तो इसीलिए हमने बाल ओपन रखे हैं हमारे। ओके, अभी कोई सवाल नहीं है ना किसी के मन में। और एक हाथ से हमारी रोटी भी हो रही है, काम भी हो रहा है। कभी कभी हमारे जो हेयर है वो हमारे पतिदेव भी बना देते हैं, पर अभी उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, तो फिर हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। वो बाजू वाली दीदी मेरी एज की है, तो वो मेरे पास आके बैठती है, बातें करती है, और मेरा थोड़ा सा जो भी काम मैं नहीं कर पा रही होती वो मुझे हेल्प करती है कर देने में। तो चलो देखा, एक हाथ से रोटी बन सकती है, तो कभी टेंशन मत लेना कि हम हमारे एक हाथ से प्रॉब्लम होने की वजह से हम खाना नहीं बना पा रहे, या फिर हमारे घर के सभी लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे, ये बात नहीं हो सकती। सब कुछ हो जाएगा जो आप करना चाहते हो तो। और देखो हमारी रोटी भी सिक रही है, और हमारी ये रोटी भी बन गई है। देखिए दिखाती हूँ, जो हमारी सेकंड रोटी भी बन चुकी है, ज़्यादा गोल नहीं बनी, बस जितनी बनी है वो अच्छी ही बनी है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा खाना भी हो गया है और सब कुछ काम फिनिश हो गया है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि आप सबको ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तो थोड़े दिनों तक बस यही ब्लॉग ही आएगा। पता नहीं मैं मेकअप वीडियो शूट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि इसके लिए रेडी होना पड़ता है। तो अभी कोई भी कपड़े, मैंने पहले भी बताया था व्लॉग में कि अभी कोई कपड़े मुझे आ नहीं रहे स्लीव से यहाँ से, इसीलिए मैं कुछ भी पहन नहीं सकती, इसके लिए मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही। और ये देखो क्या है, पता नहीं। ओके, तो चलो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।